हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडिया नीटिंग कंपनी। फ्रेंड्स, आज हम इन चूड़ियों से और ये पुराने रबड़ जो थोड़े ढीले हो जाते हैं उनसे हम बहुत ही खूबसूरत आइटम बनाएंगे। और फिर उसको सजाने के लिए ये गोटा पत्ती के फ्लावर भी काम में लेंगे और ये जो मिरर दिख रहे हैं ये भी काम में लेंगे। तो आइए वीडियो बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने ये रबड़ लिया और इस चूड़ी पर लपेट दूंगी। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से इसको मैं लपेट दूंगी। देखिए फ्रेंड्स, बराबर लपेटती है ना। एक और लपेट के दिखाते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, इस तरह से ये चूड़ी आपने कांच के ले सकते हो, प्लास्टिक के ले सकते हो, कैसे भी ले सकते हो। थोड़ा सा ध्यान से इसको करना है, इधर से करते हैं तो इधर से स्लिप हो जाता है। ठीक है, ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए है ना, बराबर हमने इसको लपेट लिया है। देखिए फ्रेंड्स, है ना, दो तैयार हो गए। तो तैयार करके मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, मैंने चार चूड़ियाँ तैयार कर ली रबड़ चढ़ा के, देख रहे हैं, सुंदर बने। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, इन चूड़ियों एक साइड में ये मैंने कार्डबोर्ड ग्रीन टी का डब्बे का ही काट लिया है। ठीक है, तो इस तरह से मैं इसको काट के देखिए इसको गोलाई में काट के चार पीस में ऐसे गोले में काट के इसके यहाँ नीचे एक तरफ चिपका दूंगी फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, काट लिया इसके बराबर का। ठीक है ना, अब मैं इसको यहाँ चिपका दूंगी। सभी को चार ऐसे चार पीस काट के मैं चिपका दूंगी फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये चार काट लिए, अब इसको यहाँ मैं चिपका दूंगी ग्लू गन की सहायता से। ये मैंने ग्लू गन ले लिया फ्रेंड्स। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने चिपका लिया। चिपका कर हम मैं क्या करूँगी फ्रेंड्स, ये फ्लावर है ना, ये फ्लावर मैं यहाँ चिपका दूंगी। ठीक है, फ्लावर अभी चिपका के आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, रुगन से मैं ये चिपका लूँगी फ्रेंड्स फ्लावर। और इसके इसके बीच में चिपका दूंगी फ्रेंड्स। ये चिपका दिया फ्रेंड्स, अब मैं क्या करूंगी, ये काचिस पे चिपका दूंगी फ्रेंड्स। थोड़ा छोटा ले लेते हैं, ये देखिए, ये काचिस में चिपका दूंगी ग्लू गन से। देखिए फ्रेंड्स, सारे काच इस तरह से मैं चिपका दूंगी फ्रेंड्स चारों चूड़ियों में ऐसा करके।
दिखाती हूँ मैं आपको फ्रेंड्स। देखिए ये फ्लावर ले लिया मैंने, ग्लूगन से चिपका लिया। और ये इस तरह से इस पर चिपका दिया फ्रेंड्स। और फिर फ्रेंड्स एक हाथ लगा दिया मैंने ग्लूगन से, ठीक है। तो इस तरह से पूरा लगा दिया फ्रेंड्स ये। देखिए फ्रेंड्स मैं ये सारे चूड़ियाँ तैयार करके मिलती हूँ फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी फ्रेंड्स, यहाँ इस तरह से ये छोटे वाले मिरर लगा दूँगी ग्लू गन से ही फ्रेंड्स। मेरा ग्लू गन का तार फ्रेंड्स छोटा है तो इधर पहुँच नहीं रहा है राइट साइड में। इस तरह से मैं ग्लू गन से ही इस पर सारा में ये छोटे वाले मिरर चिपका के मिलती हूँ। देखे फ्रेंड्स ये देखिए, ये देखिए है ना चिपका के मिलती हूँ फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स मैंने अपने ये सब तैयार कर लिए हैं चूड़ियाँ। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए हाथ लगा लिए, ठीक है। अब इनको असेंबल करना मतलब जोड़ना है तो उसके लिए मैं सबसे पहले ये बना लूँगी फ्रेंड्स नीचे लटकन। तो ये चारों उंगलियों पर मैं ये लपेटते हुए 30-40 बार लपेट लूँगी। और इसके नीचे ये मैं लटकन तैयार कर लूँगी फ्रेंड्स, ठीक है। ये मैंने कर लिया है और इसको मैं यहाँ कट कर दूँगी फ्रेंड्स। ये लटकन को मैं तैयार करके दिखाती हूँ फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स मैंने लटकन बना के तैयार कर लिए डालून से। और अब इसके अंदर सुई में धागा पिरो लिया। अब हम इनको जोड़ेंगे सभी चूड़ियों को। पहले तो सजा लिया हमने चूड़ियों को, अब इन चूड़ियों को हम जोड़ेंगे। तो ये ऊन निकाल लिए मैंने इधर से, इसके अंदर से। ये देखिए, ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए बिल्कुल सेंटर में से मैंने ये निकाल लिए, इधर बीच में ले आती हूँ इसको। अब मैं क्या करूँगी, ये मेरे पास मोती है फ्रेंड्स, इनमें मोती फिरो लूँगी मैं। पहले एक गोल्डन, फिर रेड, फिर फिरोजी, फिर गोल्डन, ये चार मोती मेरे फिरो लिए फ्रेंड्स। ये देखिए इस तरह से चार मोती फिरो लिए। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मिरर लगा दूँगी दोनों तरफ, ग्लू गन से चिपका दूँगी मिरर। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से और इस तरह से, ताकि दोनों से एक तरफ ही शाइनिंग होती रहे। फिर चार मोती ऊपर फिरो लूंगी।
ठीक है फ्रेंड। फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि जितनी भी ये हैंगिंग वाली चीज़ें हैं उनको आप लाइट वेट से बनाए, ज़्यादा भारी से गिर जाती है ना, संभलती नहीं है। तो ये देखिए मैं अच्छी तरह लगा के ग्लू गन मेरा ठंडा हो गया है, ये देखिए। तो हल्की चीज़ों से बनाए इसको, साइड डोर हैंगिंग है ना। अब मैं चार मोती और पिरो लूँगी, पिरो कर मिलती हूँ फ्रेंड्स। अब मैं ये पीछे की ओर से ग्लू लगा के इसको मैं यहाँ चिपका दूँगी फ्रेंड्स। ये देखिए ऊपर भी मैंने मोती पिरो लिए, अब यहाँ से मैं ग्लू लगा के इसको यहाँ चिपका लूँगी। तो इस तरह से हमारी ये लटकन बनकर तैयार हो जाएगी, देखिए है ना फ्रेंड्स। फिर मैं अब चार मोती पिरो के और फिर ये मिरर लगा के आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स। अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर माय वीडियो, बेल बटन का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए जब मैं वीडियो अपलोड करूँ फ्रेंड्स। तो एक लाइक तो बनता ही है फ्रेंड्स, है ना। मैं ये चार चार मोती पिरो के मिरर लगा दूंगी और इसको एकदम सुंदर लटकन वो साइड डोर हैंगिंग या लिविंग एरिया में सीधा सीधा लगाएं आप, बहुत सुंदर लगता है फ्रेंड्स। ठीक है, ये फिर यहाँ मिरर लगा के मैं यहाँ पूरा करके आपको थोड़ा दिखाती हूँ फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, हाँ ये देखिए, ये मैंने साइड डोर हैंगिंग बना ली है, सब डबल साइडेड काट चुका कर और ये टांगने के लिए लगा दिया है। अब पीछे से ये डॉक्टर टेप से चिपका दी मैंने इसको, है ना। तो सुंदर बनी है ना फ्रेंड, देखिए पुराने रबर बैंड और पुराने चूड़ियों से मोती डालकर ग्लू गन की सहायता से साइड डोर हैंगिंग बना ली है मैंने। हाँ फ्रेंड्स मैं बताना चाहती भूल गई मैं बताना कि साइड डोर हैंगिंग है जो आप जितनी हो सके हल्के बनाएं, टांगने में आसानी रहती है फ्रेंड्स, है ना, टांगने में आसानी रहती है और कील में भी आराम, कील जो बाजार की आती है ना खूंटियाँ, है ना, उस पर आप इसको अच्छी तरह टांग सकते हैं। इसका ही उतर गया है, ये लगाती हूँ मैं इसको फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर माय वीडियो, बेल बटन का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं आपको वीडियो अपलोड करूँ। तो फ्रेंड्स एक लाइक तो बनता ही है ना। हमारी कितनी सुंदर ये हैंगिंग बन के तैयार हो गई फ्रेंड्स, देखिए है ना। लटका कर मैं इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स मेरे हैंगिंग डेकोरेटिव आइटम बना लिया मैंने, कितना सुंदर है फ्रेंड्स, है ना। दोनों तरफ मिरर लगाएं, ये देखिए दोनों तरफ मिरर लगाएं, जब ये घूमेगी ना तो बहुत सुंदर लगेगी फ्रेंड्स हवा के साथ साथ। तो सुंदर बने ना फ्रेंड्स, बनाइए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। कितने सुंदर बने फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स ये घूमती हुई कैसी लग रही है ना, अच्छी लग रही है ना। देखिए ऊपर से नीचे तक मैंने बता दिया आपको, और साइड डोर हैंगिंग ये डेकोरेटिव आइटम है ना, मात्र 10 मिनट में बनने वाले। तो फ्रेंड्स एक लाइक तो बनता ही है, तो लाइक माय वीडियो एंड शेयर माय वीडियो विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, है ना, और सब्सक्राइब माय चैनल, और वीडियो को स्किप ना करें फ्रेंड्स, वीडियो पूरा देखें,
तभी आपको समझ में आएगा कि क्या बन रहा है और कैसे बन रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखिए फ्रेंड्स,